आवाज से ही पता चल रहा है कि कितने क्रंची बने थे और देखने से पता चल रहा है कितने चीजी बने थे। देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं पोटैटो चीजी बाइट्स की। तो उसके लिए हम लेंगे 3-4 आलू, उसमें रफली उनको मैश कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे भर भर के चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। उसमें डालेंगे हम रेड कैप्सिकम थोड़ा कलर करने के लिए, और अनियन चॉप करके, और हरा धनिया। और यहाँ पे आप ग्रीन वाली कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्रंचीनेस के लिए डालेंगे 2 स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 स्पून राइस फ्लावर। उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये खाने में बिल्कुल होटल वाले से भी अच्छे थे और बहुत अच्छे बनेंगे, गारंटीड है, बहुत टेस्टी बनेंगे। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी से। तो हमने उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे मोज़रेला चीज़, जिससे कि हमारा जो बेस है वो बहुत चीज़ी बनेगा। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बन गया है। अब आप इसको, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो आप इसको किसी भी शेप की गोलियाँ बना सकते हैं। तो मैंने कुछ बनाए हैं बाइट्स के शेप के, सिलेंड्रिकल और थोड़ा लॉन्ग वाले। और मैं इसमें कुछ बनाऊंगी जिसमें चीज़ फिल करके बॉल्स। तो चीज़ फिलिंग के लिए मैंने लिया है जो प्रोसेस चीज़ स्लाइसेस होती हैं, उसको मैंने थोड़ा क्यूब्स करके इसमें डाल दिया था। अभी अंदर स्टफ़ करके इसको बंद कर देंगे, तो ये गोल वाले शेप बन गए हमारे चीज़ी फिल लड्डूज पोटैटो बाइट्स। तो और ये मैंने बना लिए हैं। अब हम इनको सैलो फ्राई करेंगे। मैं इनको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सैलो फ्राई के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया था, और उस ऑयल को जब ये मीडियम हो गया था तो मैंने उसमें ये डाल दिए थे सारे। और जब एक तरफ से क्रंची हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, तब तक वेट करेंगे। उसके बाद हम इनको उलट पलट करके दोनों तरफ से प्रॉपर सेक लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन सा। ओम बोला मम्मी आज संडे है, प्लीज़ कुछ तो टेस्टी बना दो। मैंने कहा कि टेस्टी तो डेली बनता है, लेकिन आज हम एक्स्ट्रा टेस्टी बनाते हैं। तो मैंने उसके लिए बना ली चीज़ी बाइट्स। और ये दिखने में जितनी अच्छी है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो अगर आपने मुझे अभी फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ फॉलो माई चैनल, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।